गोवर्धन को अपना टारगेट बनाता है। ये अपने इस राइवल को पकड़कर इसे काटने लगता है। कमांडर का पलड़ा भारी हो गया है। अब राइवल सिर हिलाकर सरेंडर कर देता है। विद्रोह कुचल दिया जाता है। कमांडर फीमेल्स के साथ मीटिंग करने का अपना हक कायम रखता है। हो सकता है इस रेबल का वक्त भी कभी आए, लेकिन आज तो ऐसा नहीं हुआ। झुंड में रहने वाले जानवरों को सेफ्टी मिलती है उनकी तादाद से, और जो पीछे रह जाते हैं वो जबरदस्त खतरा झेलते हैं। हाथियों के झुंड चाहता है कि ये बड़ा हो गया है। ये देखता रहता है कि बड़ी उम्र के हाथी कैसे बिहेव करते हैं, और ये भी आजादी का एहसास पाना चाहता है। ये अपने झुंड से दूर निकल जाता है और इसका सामना होता है 14 शेरों की एक हंटिंग पार्टी से। लगता है एक टन वजन का ये हाथी आसानी से इनका शिकार बन जाएगा। इस झुंड की स्ट्रेटेजी एकदम सीधी साधी है। ये मिलकर इस हाथी को मारेंगे। झुंड को लीड करने वाली शेरनी हाथी के पिछले हिस्से में अपने दांत गड़ा देती है। किसी शेर की चीक बोन से बनती है एक बड़ी सी रिज। ये एक विशाल और ताकतवर मैसेटर मसल से जुड़ी होती है। मुंह के बंद होने पर यह जबरदस्त पावर मुहैया कराती है, लेकिन हाथी की चमड़ी काफी सख्त होती है। एडल्ट्स में इसकी मोटाई करीब 4 सेंटीमीटर होती है। 180 किलो की बाइट फोर्स के बावजूद शेरनी इसकी स्किन में दांत नहीं गड़ा पाती। दूसरी शेरनियां हमले को और दमदार बनाने के लिए आ जुटती हैं। 270 किलो की शेरनी के वजन से हाथी लड़खड़ाने लगता है। एक तीसरी शेरनी पिछली टांगों पर हमला करती है। हाथी के टेंडन में दांत घुस जाने से वो भाग नहीं पाएगा, लेकिन ये हाथी जवाबी हमला करता है। पूरे झुंड की मदद के बावजूद शेरनियां इसे गिरा नहीं पाती। हाथी पीछे को चलता है और नदी के पास पहुंच जाता है। हाथी तैरने में माहिर होते हैं, लेकिन इसकी पीठ पर अब भी एक शेरनी सवार है। इसके दांत अपर स्पाइन में नहीं घुस पा रहे हैं, लेकिन इसके पिछले नाखून हाथी के पिछले हिस्से पर चोट करते हैं। किसी शेर के पिछले पंजे अगले पंजों के मुकाबले ज्यादा लंबे और ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसके दोनों पंजों में 4-4 नाखून होते हैं। ये ज्यादा फ्लैट होते हैं और अगले 5 मुड़े हुए नाखूनों के मुकाबले ब्लेड जैसे होते हैं। इन्हें ताकत मिलती है बड़ी बड़ी बाइसेप और एक्सटेंसर मसल से, जो नाखूनों को ट्रैक्शन मुहैया कराती हैं और ये मांस में धस पाते हैं। ये हाथी घूम जाता है और इसकी पीठ पर बैठी शेरनी कूद जाती है। ये गुस्सैल हाथी झुंड के लीडर की तरह हमला करता है, लेकिन ये कमजोर होता जा रहा है। अगर अब ये गिर पड़ा तो इसका काम तमाम हो जाएगा। एक यंग हाथी पर जानलेवा हमला किया जा रहा है। इसके दुश्मनों की तादाद 14 है, लेकिन ये डिफेंस की बजाय ऑफेंस की मदद लेता है। हाथी इंसान की ही टांग की तरह अपनी पिछली टांगों को मोड़ सकते हैं और फिर एक टन वजनी टांग से किक मार सकते हैं। इसके जबरदस्त ब्लो से शेरों की हिम्मत टूट जाती है। जब हाथी जान बचाकर भागता है तो सिर्फ एक शेरनी उसका पीछा करती है, और बैकअप के बिना वो इससे लड़ नहीं सकती। इस हाथी को एक नेचुरल बॉर्न विनर कहा जा सकता है, और जब ये अपने झुंड में लौटेगा तो इसके पास सुनाने के लिए एक शानदार स्टोरी होगी। शिकारियों के झुंड बहुत डरावने हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरा पैदा हो सकता है अकेले शिकार करने वाले जानवरों से।
अफ्रीकन लेपर्ड्स अपने माहौल का पूरा फायदा उठाते हैं। ये बिना नजर आए ऊपर से हमला कर सकते हैं या फिर छिपने के लिए अपने कैमोफ्लाज कोट की मदद ले सकते हैं ताकि अपने से दोगुने साइज के जानवरों को भी मार सकें। इस एडल्ट रेड लेचवी एंटीलोप की ऊंचाई करीब 90 सेंटीमीटर और वजन 90 किलो से ज्यादा है और ये किसी अफ्रीकन लेपर्ड के लिए एकदम सही टारगेट होगा, लेकिन इसका हैबिटेट इस बिग कैट के लिए एक चैलेंज पेश करता है। खुले वेटलैंड्स में घात लगाने के लिए जरूरी कवर नहीं होता। और अगर लेपर्ड इस लेचवी का पीछा करता है तो हिरण की ग्रीसी वाटर रिपेलेंट फर उसे शिकारियों से आगे निकलने में मदद करती है, लेकिन इस शानदार मेल को पानी से निकलकर अपना इलाका बनाना होगा और किसी फीमेल को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फीमेल्स सूखी जमीन पर ही मेटिंग करती और बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन सूखी जमीन पर यह मेल आसानी से शिकार बन सकता है। ये लेपर्ड एक एक्सपीरियंस्ड हंटर है, ये जानता है कि सब्र का फायदा होता है। यह करीब 3 किलोमीटर तक शिकार का पीछा करेगा और छिप रहकर हमले का इंतजार करेगा। और आज इसका मन लेचवी को अपनी खुराक बनाने का है। यह हैंडसम मेल अपने इलाके को लेकर एक राइवल से लड़ रहा है। अपने 60 सेंटीमीटर लंबे सींगों को लॉक करके यह जता देता है कि बॉस कौन है, लेकिन नजर ना आने वाला एक दर्शक भी इस शो का मजा ले रहा है। यह शिकारी 48 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा स्पीड पर हमला कर सकता है। लेपर्ड्स की मसल यानी थूथन में बहुत सारी सुपर सेंसेस होती हैं। ये अपने विस्कस को कई डायरेक्शंस में कंट्रोल कर सकता है। किसी हमले की सूरत में ये उन्हें आगे कर देता है। बतौर फीलर्स ये ब्रेन को सिग्नल भेजकर बाइट के लिए सबसे अच्छे स्ट्राइक पॉइंट को ढूंढने में मदद करते हैं। माना जाता है कि प्रेशर सेंसिटिव कैनाइन रिसेप्टर्स मसूड़े में मौजूद नर्व एंडिंग से जुड़े होते हैं, जिनके जरिए ये अपने जबड़े की पोजीशनिंग करता है। हैरान मेल झगड़े से अलग हो जाता है। इसका राइवल इसका पीछा करता है, लेकिन तभी उसे लेपर्ड नजर आ जाता है। आपको लगेगा कि इस शानदार मेल का काम तमाम हुआ, लेकिन यह आसानी से हार नहीं मानने वाला। यह बेशक गिर गया है, लेकिन इसने उम्मीद नहीं छोड़ी है। अपने खुरों से हमला करके ये लेपर्ड की पकड़ से आजाद हो जाता है, लेकिन लेपर्ड भी इसे कहां छोड़ने वाला है। लेपर्ड्स की बॉडी में ऐसी पावरफुल मसल्स होती हैं जो पेड़ों पर चढ़ने में इनकी मदद करती हैं, साथ ही इनके रिएक्शंस भी तेज होते हैं। सभी मैमल्स की मसल्स में इंडिविजुअल फाइबर्स होते हैं, लेकिन इंसानी मसल के मुकाबले लेपर्ड मसल्स में कहीं ज्यादा फाइबर्स और 3 गुना ताकत होती है। ये जान बचाकर भागते लेचवी पर छलांग लगाकर मजबूत पकड़ बना लेता है। ये लेचवी गर्दन में लटक जाता है बिल्कुल किसी डेड वेट की तरह। इस कोशिश में लेपर्ड थक कर गिर जाता है। अब हिरण के पास भागने का मौका है, लेकिन तभी कुछ अजीब सा होता है। इसकी अगली टांग इसके सींगों में फंस जाती है। इससे पहले कि लेपर्ड फिर हमला करे, इसके पास सिर्फ कुछ पल ही है। ये ट्विस्ट करता है और फिर भाग जाता है। इस लेपर्ड ने गलत लेचवी हिरण को चुना। लेचवी की लचीली टांगे इसकी जान बचा देती है, लेकिन टांगे एक जानलेवा हथियार भी हो सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया के बॉक्सिंग कैंगरूज बहुत मशहूर फाइटर्स होते हैं और इनका एक करीबी कजन होता है वॉलरू। इनके झगड़े काफी जबरदस्त हो सकते हैं। फीमेल वॉलरूस डोमिनेंट मेल्स की तरफ काफी अट्रैक्ट होती हैं,
और ये उनके साथ जिंदगी भर के लिए पेयर बनाती हैं। कोई मेल वॉरू ये साबित करके फीमेल्स का मन मोह लेता है कि वही सबसे दमदार मेल है, और इस मेल को कुछ ऐसा ही लगता है, मगर इसे अपने एक राइवल को हराना होगा। ये दोनों फाइटर्स इन झाड़ियों में एक दूसरे को आंक रहे हैं, फिर खुद को टॉप मेल समझने वाला दोनों पैरों से लात मारता है। ये ताकत हासिल करने के लिए अपनी पूंछ की मदद लेता है। राइवल गिर जाता है। ये लड़ते लड़ते एक होटल के टेरेस में पहुंच जाते हैं। मारामारी जारी रहती है। खुद को टॉप मेल समझने वाले को सीधी टक्कर झेलनी पड़ती है। किसी वॉलरू की पूंछ में 20 से ज्यादा कॉडल वर्टिब्रे होती हैं, जिनका इस्तेमाल वो सपोर्ट और बैलेंस के लिए करता है। थाइज में मौजूद ताकतवर क्वाड्रिसेप मसल्स इन्हें हवा में करीब 4 मीटर तक उछाल सकती हैं, या एक जबरदस्त ब्लो भी मार सकती हैं। इनके पिछले पंजों में 4 तेज नाखून होते हैं और इनसे किसी इंसान का पेट फट सकता है। मेल वॉलरूस के पेट की स्किन काफी मोटी होती है ताकि उसे बचा सके, लेकिन ये टाइल्स चिकनी हैं। राइवल चिकनी जमीन के हिसाब से ढलकर टॉप मेल से लड़ता रहता है। टॉप मेल फिर अपने राइवल की तरफ बढ़ता है। वो एक नई स्ट्रेटेजी आसमाने के मूड में है। वो नाखूनों से दुश्मन की गर्दन पर हमला करने की कोशिश में है। मेल वॉलरू के हाथ फीमेल्स के मुकाबले ज्यादा कठिन, इन्हें लड़ने के लिए ही बनाया है। टॉप मेल का अगला वार शायद इस मुकाबले का फैसला कर दे।